अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यारे कमेंट्स किए हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। उन कमेंट्स में कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि उन्हें एक्नी प्रॉब्लम और पिंपल्स प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, जो नौजवानों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो व्यूवर्स, हमें पिम्पल क्यों होते हैं? हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये पोर्स डेड स्किन सेल्स और डर्ट से बंद हो जाते हैं, जिससे हमें पिम्पल्स हो जाते हैं। नौजवानों के हार्मोनल चेंजेस की वजह से ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स बढ़ते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही इजी 3-स्टेप रेमेडीज। इस रेमेडी का पहला स्टेप है स्टीमिंग, जिसके लिए चाहिए गर्म पानी और टॉवल। अब एक बॉल में गर्म पानी लीजिए और टॉवल के साथ सर को ढांप करके भाप लीजिए। याद रहे कि आप जितना भाप सह सकते हैं, उतना ही अपने चेहरे को ऊपर नीचे करती रहिए। ये भाप लेने से हमारे स्किन के पोर्स खोल जाएंगे। सेकंड स्टेप क्लीनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग है। क्लीनिंग के लिए आप लोगों को चाहिए रोज वाटर और कॉटन बॉल। रोज वाटर इतना लेना है कि कॉटन बॉल उसे सोख सके। अब इस कॉटन बॉल को रोज वाटर में अच्छे से डिप करके अपने पूरे चेहरे को लगाइए, और खास तौर पर वहाँ जहाँ पर पिम्पल्स हो। व्यूवर्स, रोज वाटर टोनर की तरह काम करता है। ये हमारे स्किन एक्सेस ऑयल को निकाल देता है, और फिर एलोवेरा जेल से मॉइस्चराइजिंग करना है। एलोवेरा जेल को अपने साफ हाथों में लेके चेहरे पर अप्लाई कीजिए। याद रखिए कि आप इसे ज्यादा रगड़िए ना, और सूखने तक छोड़ दीजिए। मॉइस्चराइजर के बाद 1 से 2 घंटे तक कुछ भी चेहरे पर ना लगाएं। अब बारी आती है स्पॉट ट्रीटमेंट, जिसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शनल रेमेडी बताऊंगी। इनमें से आप कोई भी रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट रेमेडी, पहले के लिए आप लेंगे 1 चम्मच मिट्टी यानी कि मुल्तानी मिट्टी, 1 टीस्पून हल्दी, आधी छोटी चम्मच शहद, और बेस बनाने के लिए अरकी गुलाब। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप आपस में मिलाकर अच्छे से फाइन पेस्ट बना लें, और फर्स्ट पैक रेडी है। अब इस पैक को उंगली की मदद से जहाँ जहाँ पिंपल्स हैं वहाँ लगा लीजिए। याद रखिए, इस पैक को जहाँ पर पिंपल्स हैं वहाँ पर लगाइए, आप इसे रगड़िए ना। अब आप इस पैक को चेहरे पर अच्छे से सूखने दें। ओवरनाइट भी आप छोड़ सकते हैं, और फिर सुबह उठ के नॉर्मल वाटर से चेहरे को धो लीजिए। सेकेंड रेमेडी, 1/2 चम्मच जायफल, और इसे आप अच्छे से पीस लें। 1 टीस्पून संदल पाउडर, 2 से 3 कतरे टी ट्री ऑयल, और अरकी गुलाब पेस्ट बनाने के लिए। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाकर अच्छे से पेस्ट बना लीजिए, और आपका पेस्ट रेडी है। और इस पेस्ट को भी आप इफेक्टेड एरिया पर लगाएं, और सूखने के लिए छोड़ दें ओवरनाइट। और ओवरनाइट लगाने के बाद सुबह साफ पानी से धो ले चेहरे को। व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।